जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सोन मंडप में कार्यवाहक सीएम रघुवर दास ने जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी विधानसभा के तमाम मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक कर हार की समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को बीजेपी और रघुवर दास के खिलाफ जानबूझकर बरगलाया गया। लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी गई कि अगर रघुवर दास दोबारा आएंगे तो उनकी बस्तियों को तोड़ दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को कई बार धमकी दी गई, अब धमकी देने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। चुनाव में जो भी कार्यकर्ताओं से जो समीक्षा के दरमियान है कि 5 वर्ष जो 14 वर्ष के अंदर सरकार बनाने और गिराने का खेल खेलने वाले लोगों का 5 वर्ष में दलाली नहीं चली, कमीशनखोरी नहीं चली, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग माइंस में दलाली नहीं चली, तो पूरे राज्य में जो बिचौलिया थे, जो भ्रष्टाचारी लोग थे, उनका एक ही उद्देश्य था कि रघुवर दास को झारखंड से हटाओ। चुनाव में